गुलबर्गा शहर में फिर एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से 58 साल कोरोना पेशेंट की मौत होने का वाकया पेश आया है। कल रात 3-4 हॉस्पिटल के धक्के खाने के बाद भी वेंटिलेटर ना होने की वजह से ट्रॉमा केयर सेंटर में पेशेंट के घर वालों के सामने एक खातून की मौत हो गई है। लगातार गुलबर्गा शहर के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कई मासूम लोगों की मौत हो रही है। गुलबर्गा हेडलाइंस की जानिब से बार बार MP, MLA, इंचार्ज मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन को इन हादसों से वाकिफ कराया जा रहा है, इसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल रात 2:30 बजे मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला 2 घंटे के बाद बॉडी देंगे, लेकिन अब 9 बज रहे अभी तक बॉडी का पता नहीं। अभी उनको पूछने गए तो वो बोल रहे, मैडम हम रिपोर्ट आने के लिए टाइम लगता, 1 दिन भी लग सकता, 2 दिन भी लग सकता बॉडी देने के लिए। ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बात कर रहे पूरी उन्होंने, और अंदर आने भी नहीं दे रहे बात करने के लिए। मैं नासिर उस्ताद साहब को फ़ोन किया था, उनका रिप्लाई मुझे मिला, फराज बाबा को रिप्लाई किया, उन्होंने अभी तक भी मुझे पता नहीं दिए वेंटिलेटर के लिए। कल से अब तक इतने फ़ोन किया, रात तक कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से वेंटिलेटर की वजह से ये सब हुआ है। वेंटिलेटर की पूरी कमी है और डॉक्टर्स की पूरी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब हो रहा है यहाँ पर। कल रात 2:30 बजे एक फिर से ट्रामा केयर सेंटर में गुलबर्गा में वेंटिलेटर नहीं रहने की वजह से एक हमारे दोस्त के वालिदा की डेथ होती है। सुबह में 7 बजे जिम्स में टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट में पॉजिटिव आई। उसके बाद 11 बजे ट्रामा केयर सेंटर में उन्हें एडमिट किया गया। उनकी हालत क्रिटिकल कंडीशन थी हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर ने हमें ये कहकर पेशेंट को एडमिट किया कि इनको ऑक्सीजन की नहीं, ज़्यादा ज़रूरत इनको वेंटिलेटर की है। उसके बाद मुसलसल हमने सारा दिन कई सारे लीडरों से बात की, हमने कई सारे डॉक्टर से बात की कि ये लेडी को इमीडिएट वेंटिलेटर की ज़रूरत है। कभी भी हमारे दोस्त डॉक्टर से 15-15 मिनट 20-20 मिनट आधे आधे घंटे में बात करते हैं जाकर, हमारे वालदा की हालत क्या है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर से एक ही रिप्लाई आता है, तुम्हारे वालदा को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हम वो कोशिश कर रहे हैं लगाने की, लेकिन अवेलेबल नहीं है। रात में कल सुबह 7 बजे से रात में 2:30 बजे तक सिर्फ डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगाना है बोल के हमारे हाथों से जो हम पेशेंट को लाकर यहाँ पर एडमिट कराए, उसके बाद 1 दिन में पेशेंट की मौत होती है। तो बताइए, हमने हमारे हाथों से हमारे दोस्त ने अपने वालिदा को खोया है। हम पिछले 1 महीने से कई बार डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिए हैं कि साहब यहाँ पर गुलबर्गा में ऑक्सीजन नहीं है, साहब यहाँ गुलबर्गा में बेड्स अवेलेबल नहीं है, साहब यहाँ गुलबर्गा में वेंटिलेटर नहीं है। उसके बावजूद भी कोई केयर नहीं कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के MLA के फर्जन को हमारे दोस्त कई बार बात की है, गुलबर्गा नॉर्थ MLA के PA को हमारे दोस्त ने कई बार बात की, साहब डॉक्टर को बात करके वेंटिलेटर लगाया जाए। उसके बाद भी जब MLA की बात नहीं चल रही है तो हम जैसे लोगों की क्या बात चल रही है, जबकि हमारी इतनी पहचान के बाद हम डॉक्टरों से बात करा रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आम आदमी का गुलबर्गा में क्या हाल है, हम DC से इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन चाहते हैं। और अब ये हुआ इसके बाद अगर किसी की मौत वेंटिलेटर ना होने से ऑक्सीजन ना होने से होगी तो गुलबर्गा में सबसे बड़ा एहतजाज हमारी तरफ से किया जाएगा। गुलबर्गा का हर चौराहे बंद करके हम प्रोटेस्ट किएंगे, क्योंकि हमने कई सारे हमारे करीबी लोगों को ये COVID-19 में खोया है। एक आशा वर्कर की जो इन्हें की वर्कर है जो घरों को जाकर सर्वे कर रही थी, वो लेडी की मौत होती है ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से, वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से। हमारे एक्स मिनिस्टर ट्वीट करते हैं कि 8 लोगों की मौत हुई है वेंटिलेटर नहीं रहने की वजह से, तो उसका रीट्वीट आता है हमारे DC की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं मामला था। ऐसा नहीं था तो ये हमारे सामने, हम कल सारा दिन कोशिश किए हैं कि इमीडिएट वेंटिलेटर लगाया जाए, उसके बाद भी डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से लेडी को वेंटिलेटर नहीं लगाने की वजह से हमारे दोस्त के वालिदा का
इंतकाल होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। ऐसे लोग जो अपनी पहचान एमएलए के बच्चों से रख कर भी उन्होंने अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आम आदमी तड़प तड़प कर मर रहा है। पहले तो कई सारे लोगों को ये लोग ज़बरदस्ती करके टेस्ट करवाने लगा रहे थे, लोग डर के नहीं कर रहे थे। उसके बाद अब ये अपनी तरफ से आकर लोग और टेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं गुलबर्गा में। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि अगर वेंटिलेटर नहीं है तो वेंटिलेटर का इंतज़ाम किया जाए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का इमीडिएट लाया जाए बेड्स का, क्योंकि पेशेंट परसों 250 पेशेंट बढ़े, कल 160 पेशेंट बढ़े। अगर रोज़ ऐसी पेशेंट बढ़ते जाएंगे तो हम क्या पेशेंटों को रोड पर रखा जाएगा, क्या इन्हें ऑक्सीजन नहीं लगाया जाएगा, क्या इन्हें वेंटिलेटर नहीं लगाया जाएगा, क्या हम लोग हमारे घर वालों को हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर क्या हमारे हाथों से उनकी जान सामने हमारे नज़रों के जाते हुए देख सकते हैं क्या, बताइए।